नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं हरियाणा न्यू वैकेंसी दो हज़ार इक्कीस जी हाँ साथियों हरियाणा में आई चार प्रकार के पदों पर नई भर्ती जिसके लिए एज इक्कीस से बयालीस वर्ष रहने वाली है और इंटरव्यू आधार पर इस भर्ती में आपका सिलेक्शन किया जाएगा अगर आप भी इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके चलिए साथियों अब देखते हैं आज की नई भर्ती के बारे में ये देख सकते हैं साथियों बाल ग्राम राई सोनीपत के अंदर अनाथालय में ये भर्ती आई है जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल के नज़दीक है विज्ञापन निकाला गया है और अनुबंध आधार पर इस भर्ती में एक वर्ष के लिए सिलेक्शन किया जाएगा चार प्रकार के पदों में पहला पद है अधीक्षक का ये देख सकते हैं पच्चीस हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी और इसमें योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य बाल कल्याण या मनोविज्ञान में न्यूनतम प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण होनी आवश्यक है साथियों इस भर्ती के लिए मैट्रिक तक हिंदी या संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है और आठ वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है एज इसमें बासठ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए न्यूनतम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है बाल कल्याण के क्षेत्र में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए जो दूसरा पद है साथियों वो देख सकते हैं तीन परिवीक्षा अधिकारी जिसके लिए सैलरी सत्रह हज़ार पाँच सौ रुपये पर मंथ रहने वाली है और इसके लिए योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य वो है साथियों साठ परसेंट अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री इसमें मांगी गई है प्रथम श्रेणी या साठ परसेंट ए की बात है तो ये देख सकते हैं साथियों इसमें एज की बात करें तो तीस से बयालीस वर्ष एज मांगी गई है न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव मांगा गया है इसमें जो तीसरा पद है वो आप देख सकते हैं चार पोस्ट हैं इसमें हाउस मदर की प्रतिमा ग्यारह हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी स्नातक पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है बाल कल्याण या समाज कल्याण या शिक्षा के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो तीस से बयालीस वर्ष वाला कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है लास्ट जो चौथा पद है वो है पैरामेडिकल स्टाफ का जिसमें नौ हज़ार रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी साइंस सहित प्लस टू पास कैंडिडेट होना चाहिए जिसके पास फिजिक्स या केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो चिकित्सा फ़िजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होनी चाहिए साथियों हो। चिकित्सा महाविद्यालय रोहतक से अथवा हरियाणा सरकार द्वारा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से या किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल में इंजेक्शन, ड्रेसिंग और वार्डवर्क में प्रशिक्षण सहित फार्मासिस्ट कोर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और 21 से 42 वर्ष जो आपको थंबनेल पर भी दिखाई गई है वो इसी पोस्ट के साथ ही इक्कीस से बयालीस वर्ष एज मांगी गई है इसमें बताया गया है कि आवेदक आवेदन आपको अंतिम तिथि जो पंद्रह दिन के अंदर अंदर अर्थात तीस सितंबर तक आपको इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा चयन मानदंड और आवेदन प्रपत्र ग्राम राई सोनीपत के कार्यालय में उपलब्ध हैं आवेदक को अपने आवेदन प्रपत्र हैं वो सभी दस्तावेजों के सहित बाल ग्राम सोनीपत के कार्यालय में जमा करवाने होंगे अथवा जगन्नाथ आश्रम बाल ग्राम राय जो निकट मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल के निकट है उसमें आप डाक द्वारा भी अंतिम तिथि से पहले भेज सकते हैं ये जो एड्रेस भी दिया गया साथियों इसमें आगे देख सकते हैं अंतिम तिथि से पूर्व प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की जाएगी और केवल पात्र उम्मीदवार को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी इस संबंध में समिति को बिना कोई कारण बताए किसी पद को बटाने या घटाने और निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है साथियों अगर इस भर्ती से रिलेटेड आपके मन में और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको हमारा अपडेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में